हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग क्या, वही ब्लॉग है। कल आए, नाश्ता बनाए, खाए और फिर सो गए। रात को भी शाम हो ही गया था आते आते, तो कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सके या खत्म नहीं कर सके। तो इस वजह से आज जा रहे हैं वेद भाई के यहाँ। हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली के, हैं वो बेसिकली बिहार की, लेकिन पापा लोग सभी लोग दिल्ली में सेटल हैं, तो दिल्ली के हम कहते हैं। तो उनके यहाँ खास उन्होंने बुलाया है आज, नहीं तो बहुत कुछ बोलेंगे भी नहीं जाएंगे, तो कुछ बोल भी सकते हैं। हालांकि अभी तक तो नहीं बुलाया है उन्होंने, बट बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हम लेट हो चुके हैं, जल्दी से निकलते हैं उनके घर के लिए, और आप देखिए आज क्या होता है, आपको नया चीज़ बताएंगे आज। सभी जगह 15 अगस्त एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हम भी निकले हैं, देखते हैं कहाँ 15 अगस्त हम मनाते हैं, जलेबी कहाँ खाते हैं। रोड अभी पूरा सुनसान है, देखिए जलेबी देखते हैं, बिहार के जैसे यहाँ रोड पे जलेबी बनते हुए देखते हैं कि नहीं, आपको दिखाएंगे ज़रूर। सबसे खुशी कब मिलती है पता है आपको? एक तो मैं बता दूँ कि पूरे रास्ते में कहीं पे भी जलेबी बनते मैंने अभी तक नहीं देखा, पूरे रास्ते अभी तक कहीं जलेबी बनते नहीं देखा। और सबसे अच्छा तब लगता है जब आप कहीं बैठे हो, सॉरी कहीं से आ रहे हो, और फिर आपको कोई जवान पूरा हथियार से लैस मिले, बैठे हुए रोड पे या खड़े हुए रोड पे आपके प्रोटेक्शन में, और उनको आप विश करो, गुड मॉर्निंग बोलो, और आज का जो दिन है, आज है इंडिपेंडेंस डे है, उनको विश करो। इतना मन में खुशी होता है ना जब वो आपको रिप्लाई देते हैं, हाँ मज़ा आ जाता है भाई साहब, मतलब लगता है आपने कुछ किया है, लगता है आपने कुछ किया है जीवन में जो उनको विश कर रहे हो। तो वो भी हमारे लिए खड़े हैं, और उनका भी, उनको भी विश करना हमारा काम बनता है। तो इस वजह से आपको भी जहाँ मिले कोई भी अवसर, उनको विश करो, आज के दिन की बधाई दो, और आज ही नहीं जब भी हो तो उनको गुड मॉर्निंग, जो डे चल रहा है उसका विश जरूर किया करो। लोग वो खड़े रह जाते हैं, उनको भी फील अच्छा होता होगा, यार हम हैं तो हमें भी पूछने वाला है कोई। बाकी रही जलेबी की बात, तो पूरे रास्ते अब हम एकदम टर्मिनल पर जा रहे हैं बस के लिए, तो पूरे रास्ते में एक भी स्टॉल नहीं दिखा जो जलेबी बना रहा हो। इट्स नॉट लाइक बिहार, लेकिन बिहार में मज़ा आता है, कहीं जाओ जलेबी आज के दिन आपको मिलेगा। आज के दिन इनका दर्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, क्या गजब लग रहा है। तो भाई साहब ऐसा हुआ कि हम आगे बहुत आगे, और जो हमें लेने आए हैं वेद भाई वो बहुत पीछे हैं अभी, तो बोले कि रुको आ रहा हूँ। मुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आया कि कहाँ रुकने के लिए बोले हैं, मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ, वो जरूर आते हैं मुझे लेने। तो ऐसे ही बहुत लेट कर चुका हूँ, गाली दे रहे होंगे कहाँ से आ गया। हेलो, ये आ रहे हैं वेद भाई, देखिए आ। भाई साहब हम हैं गाड़ी पे और ये है वेद, आपने कहीं देखा है? कहीं नहीं देखा होगा। जा रहे इनके घर जबरदस्ती बुलाए हैं, पता नहीं क्यों, अगर भाई का मन नहीं था लेकिन फिर भी आना पड़ा। नहीं नहीं मन नहीं, ऐसा जबरदस्ती तो तुम बोल ही नहीं, जबरदस्ती का मतलब वो नहीं है कि मन नहीं था, मन हाँ मन किसको नहीं होता भाई, भाई के घर जाने पे मन किसको नहीं होता, बट एक तो हम बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा ना, 9:30 बोले थे आने के लिए 11:30 यार। यार बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा।
बैठे नीचे चल, ये बारिश में बैठे भाई, बारिश में हाँ चलेंगे। अब बिक गया पूरा क्या, थोड़ा सा अब बिक जाएंगे, बारिश बंद हो गई, ये नहीं बंद होने वाली है, बारिश हो रही है और सारा पतंग हो गया खत्म। ये बारिश के बाद क्या है, तो हम अभी भैया जी के, बेल भाई के घर पे थे, खाना पीना खाया, बहुत पतंग उड़ा है, जिसका अभी ब्लॉग आपने पहले देख लिया होगा मेरे ख्याल। अभी हम निकले हैं अपने ट्यूशन के लिए, आज हमारा ट्यूशन खुला है, जहाँ हाइनो भाई अरे कोई बात नहीं, खींचेंगे तो आप है ना खींचने के लिए, ऐसे सच में फोन खींच लेते हैं, मेरे कान से जब खींच लिया फोन तो नहीं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ऐसे, तीन ट्रिपल लोडिंग बहुत गलत है, लेकिन हम लोग बाइक से नहीं जा रहे हैं, हम लोग I want to say something like your nothing special in time with you. हाँ इनका जवाब देखिए ना, आई पक्का ब्लॉग भी जाएगा, आपको क्या लग रहा है? हाँ जाने दीजिए। अरे तो अच्छी बात है, मैं तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा क्लास करेंगे सब आदमी एक साथ, और हम लोग इतने तेज चल रहे हैं कि लग रहा है जैसे कि हम लोग एक ही मतलब एक रिदम में लग रहा है बाइक पर चढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग चल रहे हैं तेज ऐसे, क्या भैया जाते हैं क्लास करते। और यहाँ का सबसे बड़ा चीज आपको बताते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारा राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, और कहीं नहीं मिल रहा है दिल्ली में, अभी तक कहीं हमको जलेबी नहीं मिला, अभी तक नहीं गया, जबकि शाम के 7 बज रहा है अभी, और अभी तक नहीं मिला है। खोज के आज खा के जाएंगे, क्योंकि लेट होने वाला, जाने वाला, खिलाएंगे हमको डेविड भैया, और नहीं खिलाएंगे तो भाई भाई तरफ से आपको सारी शुभकामनाएं, नहीं हमने लोगों की तरफ से हरुआ लोगों के स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारे शुभकामनाएं क्या, और स्टे ट्यून, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई साहब अभी आए हैं जलेबी खाने, ये रहे डेविड भैया और ये रहे हमारे वेद भाई, पूरे दिन के बाद आज जलेबी मिल रही ना, नीचे जलेबी बन रहा है हमारा, देख सकते हैं आधा आधा किलो, दो जगह काम है, जलेबी खा के आपको मिलते हैं।